तो गाइस ये जो आप द्वार देख रहे हो ना जितने भी हैं, ये देखो लिखा हुआ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं दुर्गाना मंदिर और यहाँ पर तीन मंदिर है देखने वाले। तो गाइस देखो ये भी बच्चे हनुमान जी बन के आए हैं। तो गाइस जैसे कि आजकल चल रहा है त्योहारों का सीजन, तो इस सीजन में ना अमृतसर में भी काफी धूम मस्ती है, अच्छी अच्छी चीजें देखने लायक होती है, तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ अमृतसर। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया है, तो बस निकलते अमृतसर के लिए। गाइस हर बार की तरह गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और चलो पकड़ लेते फटाफट बस। ज़्यादातर बस में तो सफ़र करता हूँ क्योंकि मैं बाइक इतनी चला नहीं पाता हूँ, मेरे को सही नहीं लगता है, मेरे को डर लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए जो लॉन्ग रूट है उसमें मैं बस वगैरह या ट्रेन में सफ़र करता हूँ। गाइस अभी मैं हूँ अमृतसर में और भीड़ देख लो आप इसकी यहाँ पे। और अभी हम जाएंगे दुर्गाना मंदिर। यहाँ पे ना इस टाइम जैसे ना नवरात्र में बहुत ही मतलब बढ़िया प्रोग्राम चलते हैं, वही आपको दिखाने पहले, तो उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो लोग को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ऑटो में ऑटो भी निकल रहे दुर्गाना मंदिर के लिए और यह टायरों की मार्केट है पूरी। पहुंच गए दुर्गाना मंदिर, चलो तो आपको भी दिखाते। तो भाई अभी भी जैसे यहाँ पे मेला जैसा चल रहा है पूरा दुर्गाना मंदिर में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, इसलिए देखिए आप कितनी भीड़ है। और आज दिन भी सैटरडे है, लेकिन देख लो सैटरडे वाले दिन भी कितनी भीड़ है। एक्चुअली यहाँ पे ना हनुमान जी बनते हैं भगत, तो वो चीज़ अगर देखने को मिलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर के दर्शन तो मैं आपको कराऊँगी। और भी बहुत मंदिर है यहाँ पे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं दुर्गाना मंदिर और यहाँ पर तीन मंदिर है देखने वाले, एक हनुमान जी का मंदिर है, एक शीतला माता जी का मंदिर है और दुर्गाना मंदिर तो है ही है। तो ये दुर्गाना मंदिर के नाम पे है ये मंदिर, तो चलो आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो है ना मान्यता जो जो है वो भी आपको बताएंगे। तो गाइज हर चीज़ ना चेंज होती रहती है। जब मैं आया था ना लास्ट टाइम, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, शायद 12-13 साल हो गए, उसके मुकाबले काफ़ी चीज़ें चेंज हैं। देखिए काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन अब काफ़ी मतलब ना डेवलप हुआ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। दिन का टाइम है, रात को अगर लाइटें चलती तो और अच्छा लगता। चलो चलते हैं और जाके दर्शन करते हैं। तो गाइस देखो ऐसे ना हनुमान बन के आते हैं कई बच्चे, कई बड़े भी। गाइस यहाँ पर पानी की सेवा चल रही है, तो पानी पीते हैं। तो गाइस ये भी बच्चे हनुमान जी बन के आए हैं, ये सारे के सारे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो गई वहाँ पे रखा इन्होंने आज जोड़ा घर, तो वहाँ पे तो आते मेरे शूज़ वगैरह। तो गई कुछ इस तरह से ना आते हैं भगत यहाँ पे हनुमान जी बना के अपने बच्चों को पैरों में घुंघरू डाले हुए। वो देखो हनुमान जी का गुर्ज पकड़ा हुआ है। और चलो आपको भी दिखाते हैं और मंदिर के भी दर्शन कराएंगे और खुद भी माथा टेकेंगे, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं भी आज। तो गाइस ये है माता शीतला का मंदिर, पुराना मंदिर है काफी। और इस मंदिर में आते हैं बच्चे सब जने हनुमान जी बनके, जो उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तब आते हैं यहाँ पे। जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही वो आ रहे हैं, तो ये बात है।
गाइस देखो यहाँ पे सभी बच्चे हनुमान बन के आते हैं। साक्षात हनुमान जी आपको विराजमान है। हनुमान जी के मंदिर का इतिहास जो ये है कि यहाँ पे अगर किसी को औलाद नहीं होती ना तो वो यहाँ पे माथा लगा करके, अगर औलाद होती है तो 9 दिन तक हनुमान जी के स्वरूप में बच्चे को रख के यहाँ पे माथा लगाया जाता है। तो ये यहाँ का इतिहास है, तो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैसे अभी हम आ चुके हैं दुर्गाणा मंदिर में, तो चलो आपको भी दर्शन कराते हैं। वैसे अभी पता लगा है कि मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी जाकर मत्था टेक लो करें, शायद इसका कोई टाइम टेबल है वो भी आपको बता देंगे। वैसे 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 3:30 बजे खुलेगा, लेकिन हमने पहले ही आपको दर्शन करा दिए थे, तो चलो अभी निकलते हैं। तो भाई ये मंदिर भी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और सामने हनुमान जी का मंदिर हो गया प्राचीन, इधर शीतला माता जी का मंदिर है, और ये सामने दुर्गाणा मंदिर हो गया, और ये पूरा तालाब है साइड में। तो भाई ये जो आप द्वार देख रहे हो ना, जितने भी हैं, ये देखो लिखा हुआ ना, धर्म द्वार, ज्ञान द्वार, प्रवेश द्वार, ऐश्वर्य द्वार, ये सारे द्वार हैं। इन सब द्वारों से निकल के इंसान मोक्ष की तरफ जाता है, तो ये चीज़ बनाई गई है। इस मंदिर को 2 रास्ते जाते हैं, ये पुराना रास्ता है जो पहले का चल रहा है, और ये यहाँ पे इन्होंने नया दरबार का रास्ता बना दिया, तो यही है पुराना रास्ता। तो गाइस यहाँ पे सामने लंगर हॉल है जिसका टाइम है 10:30 से 10:30 तक का। सो गाइस आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी आज दुर्गाणे मंदिर आए थे, हनुमान जी का मंदिर दिखाया मैंने आपको, शीतला माता का मंदिर दिखा दिया, तो बस अभी निकलेंगे सीधा, देख लेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगी जाएगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।